स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोगियों का पंजीकरण ई प्रणाली द्वारा आरंभ किए जाने से रोगियों को इसके कारण काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जिला जींद मुख्यालय के सरकारी अस्पताल परिसर में पंजीकरण के लिए रोगियों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होने को मजबूर होना पड़ रहा है। रोगियों का आरोप है कि उन्हें पंजीकरण करवाने में ही इतना समय लग जाता है कि जब तक पंजीकरण होता है कि तब तक चिकित्सक के जाने का समय हो जाता है, जिसके कारण उन्हें उपचार करवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कोई दूर से पेशेंट आता है उनको ऐसे टाइम हो जाता है, डॉक्टर उठ जाते लंबी लाइन्स के, तो उनको बिना दवाई लेने जाना पड़ता है। कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है? फिलहाल तो जी लंबी है ज़्यादा है। तो दवाई परेशानी है जी, इतनी दूर तो आवे जी लंबी लाइन देना, डॉक्टर उठ लाए फिर फायदा क्यों, मरीज का आएगा इतने दूर से। हाँ दिक्कतें हैं जी, जब इतनी लंबी लाइन लग रही है तो। पूनम जी कितना टाइम हो गया आपको? हो गए करीब मंथ, थोड़ा टाइम हुआ है झूठ के बोल रही हूँ। दिक्कत आप देख रहे हो, गर्मी का माहौल है, बच्चे वो बूढ़े औरतें सब परेशान है, यहाँ पे सुबह से लाइन में लग रहे हैं, बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। भाई साहब ये यहाँ पे पर्चे वगैरह कटते, भाई यहाँ पे पर्चे कटते उसके बाद डॉक्टर देखते हैं, यहीं पे इतना टाइम हो जाता है, फिर डॉक्टर का जाने का टाइम हो जाता है, मतलब प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है यहाँ पे। काफी परेशान है, आप देख सकते हो बच्चे भी रो रहे हैं, बूढ़े जो आदमी वो भी परेशान हो रहा, तो अब देख लो आप काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा जी। दवाई ले जाते हैं जी, अगर ऐसे ही रहेगा यहाँ पे टाइम होगा, डॉक्टर का टाइम होता है 2 बजे तक बैठते, उसके बाद तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, जो दूर दूर से आते हैं उनको तो जी जी हाँ जाते हैं बहुत से। जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ। Thank you.